नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत भूषण, मैं एक वकील हूँ, जनहित की याचिकाएं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और मैं अभी स्वराज अभियान का अध्यक्ष भी हूँ। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आप इस आज के माहौल में, जहाँ पर पूरे देश में नोटबंदी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, आपको आपके सवाल मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल है, आज के राष्ट्रीय अखबार में एक खबर छपी जिसमें कहा गया आपने CBDT सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्टेस को एक पत्र लिखा, यह पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। देखिए, 2013 और 2014 में इनकम टैक्स और CBI ने बिरला के घराने के ऊपर और सहारा के घराने के ऊपर कुछ इनकम टैक्स और CBI की रेड करी। उस रेड में, बिरला की रेड में 25 करोड़ कैश पकड़ा गया और काफ़ी सारे दस्तावेज पकड़े गए। उनके जो उच्चतम अधिकारी थे उनके कंप्यूटर भी सीज करे गए। उसके अलावा जो सहारा की रेड थी उसमें 135 करोड़ कैश पकड़ा गया और कई सारे दस्तावेज पकड़े गए, जिसमें कि बहुत सारे पेमेंट्स दोनों बिरला और सहारा वाले में दस्तावेजों में बहुत सारे पेमेंट्स कैश में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो कि उस समय मुख्यमंत्री रहे थे अलग अलग राज्यों के, उन लोगों को देते हुए दिखाया गया है। जो सहारा के दस्तावेज पकड़े गए उसमें तो बहुत डिटेल में लिखा है कि किस किस डेट में कितना कितना अमाउंट किस किस के हाथ में दिया गया और कौन उसको देने गया था उनके हाथ में। लेकिन उसके बाद भी ये सब दस्तावेज पकड़े जाने के बाद भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हवाला वाले, जैन हवाला डायरी वाले केस के तहत अगर इस तरह के दस्तावेज पकड़े जाते हैं तब फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना सारा करोड़ों में पैसा आप ऐसे मुख्यमंत्री जैसे लोगों को दे रहे हैं तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या चीज़ थी, क्यों ये पैसा दिया गया, किस वजह से दिया गया। लेकिन उसकी बगैर तहकीकात करे ऐसा लगता है कि उन दस्तावेज़ों को दबा दिया गया। और उस समय मुझे ये जानकारी मिली थी कि इसके दबाने के पीछे एक इनकम टैक्स के बहुत उच्चतम अधिकारी थे, KV चौधरी साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशंस को हेड कर रहे थे और पिछले साल जून में उनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया, जो कि CBI को भी सुपरवाइज करता है। तो देश की सबसे अहम एंटी करप्शन एजेंसी आप कह सकते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका अध्यक्ष उनको बना दिया गया। और ये मुझे जानकारी मिली थी कि शायद इसीलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने बिरला और सहारा के जो दस्तावेज पकड़े गए थे उनको दबा दिया। तो जब मेरे पास ये दस्तावेज आए अक्टूबर के महीने में, किसी विसल ब्लोअर ने मुझे ये दस्तावेज दिए बिरला और सहारा वाले, तब मैंने पहले तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ब्लैक मनी SIT और इन सब को चिट्ठी लिखी कि भाई देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसमें कि इतने सारे पेमेंट्स बड़े बड़े लोगों को दिए गए हैं और इसलिए इसको तुरंत इसकी जांच होनी चाहिए थी, क्रिमिनल जांच होनी चाहिए थी CBI के द्वारा या कोई SIT के द्वारा, और वो जांच करवाए बगैर इन डॉक्यूमेंट्स को दबा दिया गया। तो अब आप इसकी जांच करवाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी आज तक उसमें कोई जांच हो पाई। तो जब ये दिखने लगा कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, तब मैंने हताश होकर सुप्रीम कोर्ट में एक आज अर्जी दाखिल करी है कि भाई इसकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपरवाइज करी हुई एक पूरी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए,
कि ये पेमेंट्स क्यों दिए गए, किस किस को दिए गए, इसके पीछे क्या कारण थे वगैरह वगैरह, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन कागजों को दबाया किसने। क्योंकि हम लोगों ने ये जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं चौधरी साहब, इनका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया हुआ है, दूसरे विजिलेंस कमिश्नर का भी चैलेंज किया हुआ है, वो हमारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, उसी में हम लोगों ने एप्लीकेशन आज फाइल करी है। दूसरा क्वेश्चन है, रिपोर्ट में यह भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी के पास पहले से ये खबर जून में चली गई थी और उसके बाद उन्होंने कुछ इस पे एक्शन नहीं लिया, और आज अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भी इस पे कुछ बात किया, तो क्या ये मामला एक ही है या उनकी बात अलग थी? ऐसा लगता है कि विधानसभा में भी उन्होंने आज कुछ इन्हीं दस्तावेजों का जिक्र किया, और ये बात सही लगती है कि जून से उनके पास ये दस्तावेज थे, उन्होंने जून से अब तक इस पर क्यों कुछ नहीं किया, इसका क्यों खुलासा नहीं किया, मैं ये नहीं कह सकता कि उसके पीछे उनका क्या कारण था, वो वही बता पाएंगे। सीबीडीटी के अलावा कोई और एजेंसी को भी आपने बताया कि पत्र लिखा है, तो उनके तरफ से कोई कार्यवाही या कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, जैसे मैंने बोला, मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एसआईटी ऑन ब्लैक मनी, और आखिर में सेटलमेंट कमीशन, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन को भी यही इसी तरह की चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह भी बोला है कि सहारा और बिरला दोनों इसको सेटल कराने के लिए सेटलमेंट कमीशन गए हुए हैं, और अगर आप सेटल कर देंगे तो इनको दस्तावेज वापस कर दिए जाते हैं, ये दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, तो इसलिए आप ये दस्तावेज इनको वापस ना करें, ये सेटलमेंट कमीशन को मैंने चिट्ठी लिखी थी अभी 8 तारीख को। सरकार द्वारा भी नोटबंदी का फैसला, कहीं आपके द्वारा लिखे गए इस पत्र का प्रभाव तो नहीं है, दबाव में आके उन्होंने ऐसा फैसला लिया? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला इस मेरी जो कंप्लेंट थी सीबीसी और एसआईटी वगैरह को, उससे प्रभावित है कि नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि देखिए, ये नोटबंदी का फैसला बहुत हड़बड़ी में लिया गया है, इसकी कोई तैयारी नहीं करी गई, क्योंकि तैयारी के लिए अगर आप 86% करेंसी जो कि 500 और 1000 के नोट में थी उसको अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ऑल्टरनेटिव करेंसी तैयार रखनी थी, वो तैयार नहीं रखी गई। आपने जो एटीएम मशीन्स हैं उनको कैलिब्रेट नहीं किया जिससे कि वो नए नोट जारी कर सकें, और उस बगैर तैयारी के बहुत हड़बड़ी में ये फैसला ले लिया गया, जिसकी वजह से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज आम आदमी तड़प रहा है, सुबह से रात तक लाइन में खड़ा रहता है, और फिर भी उसको पैसे नहीं मिल पाते, अपने ही पैसे नहीं मिल पाते, जबकि उसके पास जो पैसे थे 500 और 1000 के नोट में वो सब बेकार हो गए, क्योंकि आज तो 500 और 1000 के नोट हर एक आम आदमी के पास हैं। पहले जब ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला सन 78 में हुआ था, उस समय 1000, 5000 और 10000 के नोट्स का डीमोनेटाइजेशन किया गया था। उस समय 1000, 5000 और 10000 के नोट तो आम आदमी के पास होते ही नहीं थे, बहुत ही खास लोगों के पास थे, तो इसलिए उससे आम आदमी प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हर आम आदमी इससे प्रभावित है, और बगैर तैयारी के आपने इतना हड़बड़ी में यह फैसला ले लिया, तो इससे ये आशंका उठती है, और कुछ लोगों ने ये बात का जिक्र किया भी है आकर मुझसे कि शायद इसके पीछे, इस हड़बड़ी में ये फैसला लेने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि इनको लगा कि भाई अब कोर्ट में मामला आएगा तो ये खुलासा होगा कि भाई कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनको इतना इतना पैसा दिया गया। आपके पत्र का सरकार की तरफ से कोई जवाब आया है, कोई कार्यवाही होगी, एजेंसी की तरफ से कुछ पत्राचार हुआ है आपका? नहीं, सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से एक जवाब आया था ये पूछने के लिए कि आप बताइए कि क्या आप ही ने यह पत्र लिखा है, वो भी 10 दिन के बाद उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी
कि क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि आप ही ने ये कंप्लेंट भेजी है। तो मैंने तुरंत उसका जवाब दे दिया कि हाँ मैंने ही भेजी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई तो दिख नहीं रही। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, कुछ बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या इतना आसान होगा जांच एजेंसियों के लिए जांच करना? यही तो सारी प्रॉब्लम है कि इसमें इतने बड़े बड़े लोगों के नाम हैं कि इसका जिस दिन पूरा खुलासा होगा उस दिन इस सरकार को और जो इस सरकार के जो मुख्य लोग हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और यही कारण है कि अभी तक सब जगह इसको दबा दिया गया, क्योंकि सरकार के इतने पावरफुल लोग, सबसे पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इतना इतना रुपया। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई हमने नोटबंदी से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी काला धन के खिलाफ, वो बिल्कुल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती तो जिनके पास काला धन था उनको पकड़ते। आम आदमी के ऊपर आपने कारपेट बॉम्बिंग कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है काले धन के खिलाफ, ये कारपेट बॉम्बिंग है आम आदमियों के ऊपर। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक अगर आपको करनी थी तो जिन लोगों के आपके पास ठोस दस्तावेज थे, मैंने सरकार को पिछले साल जुलाई के महीने में दो चिट्ठियां लिखी थीं। एक मुकेश अंबानी की कंपनियों में 6,500 करोड़ रुपया सिंगापुर की एक बोगस कंपनी के द्वारा आया, उसी तरह से अनिल अंबानी के कंपनियों में $750 मिलियन एक और बोगस कंपनी सिंगापुर से उसके द्वारा आया। साफ है कि ये काला धन था जो कि अपनी कंपनियों से चुराया गया था, बाहर ले जाया गया था और वहां से लॉन्डर करके अपनी कंपनियों में वो लोग ले आए थे, लेकिन उसमें तो कुछ किया नहीं गया, उसके खिलाफ कुछ किया नहीं गया। इसी तरह से CAG ने रिलायंस के खिलाफ कि ये लोग ओवर इन्वॉइसिंग से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी के खिलाफ कि ये लोग कोयले के इम्पोर्ट में ओवर इन्वॉइसिंग करके देश से बाहर पैसा ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिलायंस ने ONGC के 10,000 करोड़ गैस की चोरी कर ली, जिस पर कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई, जस्टिस शाह की रिपोर्ट आ गई, उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जो पनामा पेपर्स में जो नाम आए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जो पहले स्विस बैंक्स वगैरह में नाम आए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो उन लोगों के खिलाफ स्ट्राइक करते, उसमें तो बहुत ज़्यादा काला धन आपके हाथ में आ जाता। लेकिन वो आपने पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो एक जरिया है स्टॉक मार्केट में अवैध पैसा इन्वेस्ट करने का, उसको बंद नहीं किया, जबकि उनसे ये बोला गया था कि भाई ये लाखों करोड़ रुपया पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है जो कि अवैध पैसा है, क्योंकि उसके जो होल्डर्स हैं उनका पता नहीं लगता। आपने जो हॉट मनी जो टैक्स हेवन से FDI के नाम पर इंडिया में आता है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि भाई आपने ये नोटबंदी से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपको जब आपके खुद के लोग जब पकड़े जाते हैं करोड़ों रुपया लेते हुए सहारा के द्वारा, बिरला के द्वारा, उनके खिलाफ आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, और आप कहते हैं कि भाई हमने नोटबंदी से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरह का ढोंग रच रहे हैं, और इस ढोंग के लिए आप सारे इस देश के सारे आम आदमी को त्रस्त कर रहे हैं, जो कि आज पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। लोग सुबह से शाम तक अपनी नौकरी छोड़कर, दिहाड़ी छोड़कर लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं और फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता। हमारे व्यूअर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है? नहीं, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये सहारा और बिरला वाला। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे तय करेगा कि इस पे कायदे से सुप्रीम कोर्ट ने जैन हवाला डायरी जब रिकवर करी गई थी तब कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा कराया था। इसमें भी कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ही होना पड़ेगा, क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी इसमें कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। और ये इसी से साफ है कि भाई CBI ने रेड करी बिरला के ऊपर और ये दस्तावेज रिकवर किए,
और फिर सीबीआई ने कुछ ना करते हुए वो सारे दस्तावेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए और इनकम टैक्स ने भी मामला बस रफा दफा कर दिया, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस सीबीआई को नहीं भेजा। तो इसलिए ये साफ है कि कोई सरकारी एजेंसी बगैर कोर्ट के मॉनिटरिंग के, कोर्ट के सुपरविजन के या बगैर एसआईटी के इस पर कोई ठोस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। हमारे कुछ भी सर बोल रहे हैं इनको हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार पूरा मामला इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, यू सी इन द ईयर 2013 द सीबीआई रेडेड द बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड रिकवर्ड 25 करोड़ इन कैश एंड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शोइंग पेमेंट्स टू वेरी पावरफुल पॉलिटिशियंस। देयर वाज इन पर्टिकुलर वन एंट्री व्हिच सेड 25 crores to Gujarat CM and in bracket it said 12 paid, 13 question mark. When the income tax, CBI unfortunately even after recovering such very highly incriminating documents which should have then made them investigate the matter further to find out why this 25 crores was paid to the Gujarat CM and whether it was an offence under the Prevention of Corruption Act etc. Instead of doing that, they just transferred the papers to the Income Tax Department. Income Tax Department also examined them from an income tax point of view without going into the question as to whether these payments amount to offences under the Prevention of Corruption Act. Similarly, there was another raid in November 2014 in the premises of the Sahara Group of Companies, in which again 135 crores of cash as well as a large number of highly incriminating documents showing payments, large payments made to a large number of very senior politicians, including several then serving chief ministers of different states, were recovered from Sahara. Again, without conducting any investigation into the Prevention of Corruption Act aspect of this matter, the income tax seems to have just buried these papers and done nothing in this matter. When I was given these papers by some whistleblowers, I wrote a letter on the 25th of October to the Central Vigilance Commission, to the Director of CBI, to the Enforcement Directorate, to the two judges of the Black Money SIT, saying that this, and to the CBDT, to the chairman and the member investigations of the CBDT, saying that this matter should have been properly investigated. Why has it not been investigated? It should at least be investigated now. Unfortunately, even after my letters, nothing appears to have been done. The CVC, after 10 days, sent a letter to me saying that, can you please confirm whether you are the person who has written this letter, to which I immediately responded, yes, I have written this letter, but nothing appears to have been done, obviously because the persons involved in these payments are holding such powerful positions in the present government that obviously the agencies, the investigative agencies, are afraid to investigate this matter. So I have had to move the Supreme Court today. I filed an application in the same matter where we had challenged the appointment of the Central Vigilance Commissioner, because the present Central Vigilance Commissioner, whose appointment we have challenged, who was appointed in June last year, he played a major role in suppressing these documents when he was the member investigation of the Income Tax Department and thereafter as advisor SIT. So therefore, we have sought a thorough court-monitored investigation into this matter, as well as an investigation into the persons who were involved in suppressing these documents. So thank you very much. I hope that this has been useful for all of you. Bye-bye. Good night.